फ्रेंड्स, आज हम आपको लाल गाजर का हलवा बनाना बताएंगे। ब्लैक गाजर का हम बता चुके हैं आपको, जो कि चीनी से नहीं गुड़ से बना हुआ है। क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लाल वाली गाजर आधा किलो ले लिया है, जिसको खूब अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। और हम इसका कॉर्नर निकाल लेंगे लगभग दोनों साइड से, और इसको इस तरीके से छील लेंगे। इसी तरीके से हम सारे छील लेंगे। और अब हम यहाँ पर ये कद्दूकस लेंगे, और इस तरीके से हमने ये कई होते हैं, ये सबसे मोटा होता है, ये बीच वाला जो होता है, इससे हमें कद्दूकस करना है। सारी गाजर को खूब अच्छे से वॉश करके पानी निकाल के कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर एक पैन हमने चढ़ा दिया है, और इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। बिल्कुल हलवाई लोग जैसे बनाते हैं उसी स्टाइल से हम आपको बताएंगे। काली गाजर का हलवा हम बता चुके हैं आपको, हमारे वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया उसको। अब लाल गाजर का बता रहे हैं। अब हम सारी गाजर जो हमने घिसा था इस तरीके से सब पैन में डाल लेंगे। ये हमारी नॉन स्टिक कढ़ाई है, वैसे आप नॉर्मली कढ़ाई में भी बना सकते हैं, अच्छा बनता है। इसको हमें कम से कम 5 मिनट तक भूनना है, धीमी धीमी आंच में। इसको अभी हमने तेज़ रखा है गैस का फ्लेम, और अब हम धीमा कर देंगे और खूब अच्छे से चला के इसको ढक देंगे, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर जो भी पानी रहता है वो सब बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा। गाजर में घिसने के बाद थोड़ा बहुत तो पानी रह जाता है, वो सब बिल्कुल हमने घी डाला है, खूब अच्छे से भुन जाएगा। इससे बहुत ही स्वादिष्ट अच्छा हलवा बनता है। अब ऐसे तो आप कुकर में उबाल के भी बना सकते हैं, 2 मिनट में 5 मिनट में बन जाता है, पर इस स्टाइल से आप बनाइए। ये देखिए हमारा बिल्कुल पानी, अब थोड़ा सा और ढकेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भून के ढक के। इससे क्या होगा, हमारी गाजर भी अच्छे से गल जाएगी और भुन भी जाएगी। ये देखिए हमारी लगभग गाजर गल चुकी है। अब हमें यहाँ पर 1 लीटर दूध हमने फुल क्रीम मिल्क डाला है, ये पैकेट वाला दूध है। अब हम क्या करेंगे, इसको चारों कॉर्नर्स निकालते जाएंगे और फिर हम ढक देंगे, बिल्कुल गैस को धीमा कर देंगे, और बीच बीच में इसको 10-10, 15-15 मिनट में चलाते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल कलर अलग सा हो रहा है। ये देखिए आधा दूध इसमें रह गया हमारा, इस तरीके से गाजर में। देखिए चारों तार कॉर्नर्स निकाल लिया हमने, बिल्कुल इसमें मलाई भी होती जा रही है और बढ़िया गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखिए पूरी गाजर गल चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने 250 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चीनी की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, और आधा जब दूध रह गया तब हमने गाजर हमारी गल चुकी तब हमने इस गुड़ को डाला है। साथ ही में हम इलायची डाल देंगे और खूब अच्छे से चलाकर, और अब हम फिर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि गुड़ इसी में मेल्ट भी हो जाएगा। और ये देखिए, और बिल्कुल देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया, इतना बढ़िया कलर आ गया इसका। और यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ काजू किशमिश बादाम डाला है। और साथ ही में हम 2 चम्मच घी शुद्ध देसी घी और डाल दिया हमने इस स्टेज पर। अब हमारा ये इस तरीके से देखिए गाढ़ा बिल्कुल हो गया है, और घी में क्या होगा ये और भुन जाएगा। ये देखिए सब पूरा इसमें दूध अलग हो गया, ये बिल्कुल पैन इसने छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हमने देसी घी 2 चम्मच डाला, 2 चम्मच हमने शुरू में डाला था,
अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर डाला थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, आप डालिए तो बहुत ही इसका टेस्ट बिल्कुल अलग सा लगता है, मीठा मीठा सा बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और साथ ही में हम फ्रेश मलाई भी 2 चम्मच डालिए हमने, जो दूध से निकलती है वो मलाई आप डालिए, बिल्कुल अलग ढंग से ये हलवा बनता है। ये देखिए अब हमारा इस तरीके से हलवा लगभग तैयार हो गया है, और कितना स्वादिष्ट, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। मलाई डालने के बाद हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन।